हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अगर हमें बारकोड निकालना है अपने सॉफ्टवेयर से तो किस तरीके से बारकोड निकालें। इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आप अपने आइटम लिस्ट में जाएंगे, मास्टर में जाके आप इन्वेंटरी मास्टर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस प्रोडक्ट का भी आपको बारकोड निकालना है, उसके बाद जिस आइटम का भी आपको बारकोड निकालना है उस आइटम को आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको प्लस का बटन प्रेस करना है। प्लस, जैसे आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा आपका लेबल, दूसरा ऑप्शन आएगा बारकोड। आप बारकोड पे एंटर करेंगे, उसके बाद आपका जो है फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, नहीं होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको शो ओनली में ए प्रेस करना है। ए से हो जाएगा ऑल, मतलब कि जो बारकोड का प्रिंटर आपका इंस्टॉल्ड है आपने यहाँ पे ऑल कर दिया कि अपने आप ले ले, आपको बताना ना पड़े। उसके बाद आप इस पे एंटर 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 करें और यहाँ पे जिस हिसाब से आपका स्टॉक है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको ये जो प्रिंट है, प्रिंट के जो नंबर्स हैं डिफाइन होंगे। लेकिन अगर आप इसको अभी अल्ट प्रेस पी कर देंगे प्रिंट निकालने के लिए, तो ये 400 यानी कि 399 बारकोड निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जितनी नीड हो उतने नंबर आप यहाँ पे डालिए और उतने बारकोड आप निकालिए। अभी आपको करना कैसे, सिंपल यहाँ पे आपको पहले एंटर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप 20 बारकोड निकालना चाहते हैं, 20 क्वांटिटी निकालना चाहते हैं बारकोड की, तो 20 क्वांटिटी आप यहाँ पे डिफाइन करें। उसके बाद आप यहाँ पे अल्ट पी प्रेस करें। जैसे ही आप अल्ट पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और प्रिंट के ऑप्शन पे आपको एंटर करना है। अब जैसे ही आपने एंटर किया, जो आपका बारकोड का प्रिंटर है अब वहां से वो बारकोड प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद आप वो बारकोड जहां भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।